हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने अनुक्रम की सीमा के बारे में पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था अगर एक्स एन कोई वास्तविक अनुक्रम है तो इसकी सीमा एल कहलाएगी। कब? जब एक्स एन और एल के अंतर को एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद अपन चाहे जितना न्यून बना सके। ठीक है, अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा कि अगर एक्स एन कोई वास्तविक अनुक्रम है तो इस वास्तविक अनुक्रम की सीमा एल कहलाती है यदि एक्स एन और एल के अंतर को हम चाहे जितना न्यून बना सकें। कब? जबकि एन बड़ा है एन नॉट से, जब भी एन बड़ा हो एन नॉट से, और एन नॉट किस पे डिपेंड करे? एप्सिलॉन पे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम में वो ये कहता है कि अगर ये जो सीमा अपन ने अनुक्रम की कल पढ़ी थी ये परिमित आ जाए तो ये अनुक्रम क्या कहलाएगा? अभिसारी। और अगर ये सीमा अपरिमित आए तो ये अनुक्रम क्या कहलाएगा? अपसारी। और अगर ये दोनों ही नहीं है, ना अभिसारी है ना अपसारी, तो उस केस में अनुक्रम क्या कहलाता है? दोलनमान अनुक्रम। तो आज अपन अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा लिखते हैं कि अनुक्रम क्या लिखेंगे? अनुक्रम एक्स एन, अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। अभिसारी अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि परिमित वास्तविक संख्या, यदि परिमित वास्तविक संख्या एल इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि, इस प्रकार विद्यमान हो कि, यदि परिमित वास्तविक संख्या एल इस प्रकार विद्यमान हो कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एन जीरो बिलोंग टू एन इस प्रकार विद्यमान हो कि, इस प्रकार विद्यमान हो कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एन जीरो बिलोंग टू एन इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, अर्थात अर्थात यदि अनुक्रम की परिमित सीमा विद्यमान है, अर्थात यदि अनुक्रम की परिमित सीमा विद्यमान है, अर्थात यदि अनुक्रम की परिमित सीमा विद्यमान है तब अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। तब अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है, अर्थात यदि अनुक्रम की परिमित सीमा विद्यमान है तब अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अर्थात इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं आप? अपन ये लास्ट में ये लिख दो मैथमेटिकली वर्ड, अर्थात कोर्स तुम्हारा लगभग पूरा हो जाएगा बेटा 5-7 लेक्चरों में, और तो आपको पढ़ते रहना है क्योंकि अब हमारे फर्स्ट ईयर वगैरह की क्लास चालू होगी तो वो हमें लेनी ज़रूरी है अब आने वाले टाइम में, और तुम्हारा बीच बीच में गैप काफ़ी आ जाएगा। मैंने एक बार ये टॉपिक बच रहा था तो, और थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक भी है और कॉलेज वगैरह अभी लगेंगे तो इतना आसान नहीं है वहाँ गैदरिंग होना, तो आप लोग वीडियो से ही पढ़िए। ठीक है, तो ये कहता है यदि अनुक्रम की परिमित सीमा विद्यमान है तो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है, अर्थात लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू एल परिमित राशि है। ठीक है, और उसके बाद वो ये कहता है इसका एक जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लिख लो आप, जो मैंने अभी समझाया था आपको कि एक्स एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2n+5। ठीक है, यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू क्या है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन अपॉन 2n+5 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1/2। ये परिमित है, अतः ये अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है, अतः एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, एक्स एन जो है अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनुक्रम की सीमा ही जो थी एक टॉपिक ऐसा था, तो
तो उसमें ज़्यादा आप मतलब कंफ्यूज मत हो। जो मैंने समझाया वो तो एक समझाने की दृष्टिकोण से था आपको, तो सिर्फ यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू एल है तो इसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग पूछे तो आप क्या कहोगे, एक्स एन और एल के मापांक के अंतर को हम चाहे जितना न्यून बना सकते हैं एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद, और वो निश्चित धनात्मक संख्या किस पर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पे हमेशा, ठीक है। और अगर वो एल जो राशि है वो परिमिता है तो वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है, अदरवाइज वो अनुक्रम कैसा है, अपसारी अनुक्रम है, जिसकी परिभाषा मैं अब आपको दे रहा हूँ। अपसारी अनुक्रम किसे कहते हैं वो देखिए, अनुक्रम एक्स एन, अनुक्रम एक्स एन अपसारी अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम एक्स एन अपसारी अनुक्रम कहलाता है यदि इसकी सीमा, यदि इसकी सीमा अपरिमित इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, अर्थात लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है। फिर वो कहता है इसी चीज़ को, वो कहता है कि भाई जैसे आपने वहाँ बताया कि एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नॉट, तो इससे भी कोई जोड़ सकते हैं क्या इसको, तो वो कहता है अर्थार्थ अनुक्रम एक्स एन अपसारी अनुक्रम कहलाती है यदि और केवल यदि प्रत्येक के कोई वास्तविक संख्या है ग्रेटर देन जीरो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, यहाँ अपन हमेशा लिखते हैं छोटा, वो ये कह रहा है चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उल्टा लिखा है आपकी बार, ये ध्यान देना क्यों लिखा है, अभी समझ में आ जाएगा। के लिए n0 belong to n इस प्रकार विद्यमान हो कि n0 belong to n इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन का मान जो है ग्रेटर देन के हो, या एक्स एन लेस देन माइनस के हो फॉर ईच एन बिलोंग टू एन की जगह क्या लिखोगे आप, एन जब भी बड़ा है एन नॉट से, फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नॉट। तो कह रहा है एन का मान जब भी एन नॉट से बड़ा है तो एक्स एन का मान किससे बड़ा आ जाए, प्रत्येक पद किससे बड़ा आता जाए, के से बड़ा आ जाए, या प्रत्येक पद किससे छोटा हो जाए माइनस के से, तब भी अनुक्रम क्या होगा, अपसारी अनुक्रम कहलाएगा। अब ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, जो मैंने लिखी है उसको देखो आप, कि अगर एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्स एन इज इक्वल टू 2n+1, अब इसको आप जरा खोलो जरा तो क्या क्या आएगा मान देखते जाओ। तो पहला मान क्या आएगा, 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से जो भी मान आते जाएंगे, तो अनुक्रम का प्रत्येक पद आगे क्या आ रहा है, जैसे आगे चल के कहीं ये 11001 आ जाएगा, उससे बड़ा है अगला पद, फिर उसके और अगला पद उससे बड़ा है 11000 से भी, तो इसलिए ये जो एक्स एन यदि किससे बड़ा हो, के से बड़ा हो, जब एन बहुत लार्ज है तब अनुक्रम क्या कहलाता है, अपसारी अनुक्रम। एक अपसारी अनुक्रम है, आप लिखोगे एक अपसारी अनुक्रम है, एक अपसारी अनुक्रम है, और इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे इसका मान क्या जाएगा, इन्फाइनाइट, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर अनुक्रम ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, दोलनमान अनुक्रम। तो ऑसिलेटरी अनुक्रम की परिभाषा लिख लो, दोलनी अनुक्रम। ये क्या है बेटा कि अनुक्रम ना तो अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो,
दोलनी अनुक्रम कहलाता है, दोलनी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, ऐसा अनुक्रम जो ना तो अभिसारी हो ना अपसारी हो वो क्या होता है, दोलनी अनुक्रम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिख लो आप, उदाहरण हमेशा की तरह एक्स एन इज इक्वल टू क्या है, -1 की पावर n। ठीक है, ये ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी है। ठीक है, और दोलनी अनुक्रम है, इसको लिखो, यह दोलनी अनुक्रम है, यह दोलनी अनुक्रम है। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं मैंने दी हैं, अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम और दोलनी अनुक्रम। ठीक है, लेकिन अब मैं एक थ्योरम कराऊंगा बेटा जो बेहद मोस्ट थ्योरम है, थोड़ी सी अब टाइम लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। अभिसारी अनुक्रम की कुछ परमेय शुरू कर रहे हैं अपन। तो पहली परमेय है अभिसारी अनुक्रम की परमेय। पहली परमेय क्या है, मोस्ट परमेय है बहुत, प्रत्येक अभिसारी, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, अब डेफिनेशन खत्म हो गई अपने इसमें, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। पहली थ्योरम क्या बताई मैंने, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। क्या है थ्योरम, कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर अनुक्रम परिबद्ध है तो जरूरी नहीं वो अभिसारी हो। ठीक है, तो आप देखो प्रूफ में लिखेंगे अपन इसके, कि माना कि ये परमेय अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जो परमेय आएंगी उसमें भी इसका प्रूफ है, तो आपको कई बार इसका प्रूफ वहाँ भी करना पड़ेगा जहाँ आगे की परमेय है। तो माना कि आप ये लिख दो कि भाई हम जानते हैं कि, तो फिर एग्जामिनर की मर्सी पा जाते हो, हम जानते हैं क्या कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, लेकिन वहाँ इसका प्रूफ कर दो तो बहुत अच्छा रहता है। तो लिखता है माना कि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, माना कि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, अतः इसकी परिमित सीमा, अतः इसकी परिमित क्या होगा, अगर अनुक्रम अभिसारी है तो एक परिमित राशि ऐसी होगी जिस पर यह अभिसरत होगा, अतः इसकी परिमित सीमा एक्साई मान लिया अपन ने, वो राशि अभी तक एल मानी थी, वो बुक वाले ने एक्साई ले रखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक्साई लिया है। माना कि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, अतः इसकी एक परिमित सीमा एक्साई होगी, अर्थात क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू एक्साई। ये बात समझ में आती है कि अगर कोई अनुक्रम है और वो अभिसारी अनुक्रम है तो अभिसारी अनुक्रम किस पे अभिसरत हो रहा है, एक्साई पे। अब आपको मैंने अभी बिगिनिंग बताया था कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू एक्साई है तो इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या है, तो आप क्या लिखते हो कि एक्स एन में से एक्साई घटाएंगे और उसको चाहे जितना न्यून बताएंगे एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद। तो इसी चीज़ को लिखो, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इज इक्वल टू एक्स आई, अतः एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, अपन ने एप्सिलॉन का मान फिक्स कर लिया, देयर एग्जिस्ट एन 0 बिलोंग टू एन, इस प्रकार है कि अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ एक्स एन माइनस एक्साई इज लेस देन 1, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे, 1 फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नॉट, फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या था, अपन ने बताया कि लिमिट हटाते हैं एक्स एन में से एक्साई घटाते हैं और उसके अंतर को अपन एप्सिलॉन से कम बताते हैं, कब, जब एन बड़ा है एन नॉट से, और एन नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ एप्सिलॉन पे। अब मैंने एप्सिलॉन का मान क्या ले लिया है, यहाँ 1, तो वो चीज़ वो ये कह रहा है। अब देखो मैंने आपको अभी तक परिभाषाएं पढ़ाई थी सारी, तो अनुक्रम जब परिबद्ध होता है तो परिबद्ध अनुक्रम की क्या परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, कि एक्स एन इज लेस देन के या इक्वल टू के फॉर ईच एन बिलोंग टू एन, ये परिभाषा पढ़ी थी अपन ने। और मैंने कहा था ये जो गोला है ना, ये मैं सर्किल कर रहा हूँ, कि प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए अनुक्रम का पद एक वास्तविक संख्या से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब इसी चीज़ को निकालने की कोशिश करें अपन इस चीज़ से,
वही कह रहा अपने पास ये बात तो आ गई, अब आप अनुक्रम का पद प्रत्येक पद को क्या दिखाओ, एक वास्तविक संख्या से कम, तो एक्सएन लो, एक्सएन में से एक चीज जोड़ दो और एक चीज घटा दो, ठीक है। तो पहले हमेशा क्या करेंगे, अपन घटाते हैं और फिर उसी चीज को जोड़ते हैं, तो मैंने एक्साई जोड़ घटा दिया और एक्साई जोड़ दिया, और अब इसके मान को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल इनक्लूटी, ये जेड वन मान लूँ, इसको जेड टू मान लूँ, तो जेड वन प्लस जेड टू किससे कम होती है, एक्सएन माइनस एक्साई प्लस एक्साई से, ठीक है। इस चीज़ को लिख सकते हैं ट्राइंगल इनक्लूटी से, और एक्सएन माइनस एक्साई किससे कम है, एक से, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ क्या हो जाएगी, वन प्लस एक्साई, ठीक है। इसका मान किससे कम है, एक से, तो यहाँ इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, वन। लेकिन अब अगर तुमने ये ब्लैंक छोड़ दिया तो ये गलती है, आपको कब लिखना है, ये मान कब है, जब एन ग्रेटर देन है एन नॉट से, तभी आप इसका मान वन से कम लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, फॉर ईच एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। तो आपने एक प्रकार से ये बता दिया कि अनुक्रम का पद किससे कम है, वन प्लस एक्साई से, कब, जबकि एन बड़ा है एन नॉट से। तो ये अगर वन प्लस एक्साई में इसको के मान लूँ, तो एक्सएन अनुक्रम के प्रत्येक पद किससे कम आ रहे हैं, के से कम आ रहे हैं, कब, जब एन बड़ा है एन नॉट से। लेकिन परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा में क्या है कि फॉर ईच एन बिलोंग टू एन होना चाहिए। वो ये कह रहा है साहब आपने एक नंबर लाइन ली है, नंबर लाइन पे ये एन नॉट है, तो एन नॉट से बड़े जितने भी पद हैं, एन नॉट से बड़ी संख्याओं के लिए तो अनुक्रम के जितने भी पद हैं वो उन सबका मान किससे कम आ रहा है, वन प्लस एक्साई से। लेकिन ये कह रहा है साहब ये अनुक्रम तो वन से शुरू हो रहा है ना, वन है या टू है, तो एक्स वन एक्स टू और एक्स एन नॉट माइनस वन, इससे पहले वाले पद उनके लिए क्या हुआ, वो भी आपको क्या दिखाने हैं, के से कम दिखाने हैं, ठीक है। तब अपन कहेंगे कि अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या हो जाएगा, के से कम हो जाएगा, और अपन कह देंगे अनुक्रम क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट करता है वो, और वो क्या करता है बेटा, उसको देखो आप कि यहाँ तक अपन पहुँच गए, फिर वो कहता है माना कि, देखो पहला पद क्या है एक्स वन, तो माना कि के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, वो कहता है साहब मैं एक राशि के इस प्रकार से चूज करता हूँ जो अनुक्रम का पहला पद, अनुक्रम का दूसरा पद, फिर ऐसे ही करते करते अपन आगे पहुँचेंगे एक्स एन नॉट माइनस वन तक, और फिर उसके बाद अपन जाएंगे कहाँ, एक्स एन नॉट तक, और बाकी के जितने भी पद हैं वो तो किससे कम है, वन प्लस एक्साई से, तो मैं ये ले लेता हूँ। तो कह रहा है आगे वाले पद तो वन प्लस एक्साई से कम है, तो ये मान ले लिया मैंने एक, तो और एक इनके जो भी मान आए मैक्सिमम वो मान ले लिया मैंने, और वो उन सबका मैक्सिमम मान मैंने क्या ले लिया, के ले लिया। तो उस केस में वो कहता है तब हर हालत में एक्स एन का मान क्या होगा, लेस देन के होगा या इज इक्वल टू के होगा फॉर ईच एन बिलोंग टू एन। इस एडजस्टमेंट की वजह से मैंने क्या लिख दिया आप कि मॉड एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ईच एन बिलोंग टू एन। तो मेरे को ये चीज़ चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ ध्यान रखना। तो उस केस में अब अपन क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। तो ये परिभाषा अपने को आनी जरूरी थी परिबद्ध अनुक्रम की, क्या कि अगर एन के प्रत्येक मान के लिए एक्स एन का मान क्या हो, के से कम हो या उसके बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम। और उस केस में मैंने क्या एडजस्टमेंट किया कि एन नॉट से बड़ी राशि के लिए तो मैंने दिखा दिया अनुक्रम के पद वन प्लस एक्साई से कम है, लेकिन जो पद इससे यहाँ से पहले वाले थे उन सबके लिए मैंने उन सबके मैक्सिमम मान ले लिए, और उस मैक्सिमम मान को मैंने क्या नाम दे दिया, के। अब वो ये कहता है कि भाई एक्स एन आपने परिबद्ध अनुक्रम, अब इसका विलोम प्रूफ करो, तो ऐसा उदाहरण दो जो कि परिबद्ध हो परंतु अभिसारी नहीं हो। तो लिखो प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम सत्य नहीं अर्थात परिबद्ध अनुक्रम, अर्थात परिबद्ध अनुक्रम आवश्यक नहीं कि अभिसारी हो, परिबद्ध अनुक्रम आवश्यक नहीं कि अभिसारी हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अनुक्रम माइनस वन की पावर एन एक परिबद्ध अनुक्रम है। माइनस वन की पावर एन की वैल्यू क्या क्या आएंगी, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है, परंतु
यह परंतु यह परिमित दोलनी, क्योंकि एक सीमा नहीं आई ना इसकी, दो सीमा बिंदु हैं इसके, तो -1 और +1, परंतु यह परिमित दोलनी अनुक्रम है अतः अभिसारी नहीं, अतः अभिसारी नहीं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया अपन ने क्या कि ऐसा अनुक्रम जो परिबद्ध है परंतु अभिसारी नहीं। तो मैंने क्या बताया, उदाहरण के लिए अनुक्रम -1n एक परिबद्ध अनुक्रम है परंतु यह एक परिमित दोलनीय अनुक्रम है अतः यह अभिसारी नहीं है। तो ऐसे ही कर करके बेटा अब आगे थ्योरम चालूंगी इसमें और एग्जाम्पल चालूंगे, तो वो अपन शुरू करेंगे। और जब तक ये चल रही है, मतलब तुम्हारी तीसरी यूनिट लगभग ये मान लो आधी से ज़्यादा हो गई है, अब तीन एक थ्योरम एक के बाद एक आएंगे, तीन एक एग्जाम्पल आएंगे, यूनिट पूरी बस ये मान लो आप, ठीक है। और बाकी कोर्स लगभग पूरा है, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहना, आप वीडियो ही देखते रहो ये मान के चलो, ठीक है।